Hi. Question says the lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 cm square. 4224 cm square. What is lateral surface area? Curved surface area बोल सकते हो. It is cut along its height and formed a rectangular sheet of width 33 cm. बढ़िया, मतलब इसको आप काट के हमने एक rectangle form में बनाया. बना सकते हो? बिल्कुल बना सकते हो, है ना. rectangle को roll करोगे तो cylinder बन जाएगा, hollow cylinder. तो वही सेम एरिया से हमने ये रेक्टेंगल बनाया. वी नीड टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट. ठीक है, तो ये समझना चाहिए पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला क्या होता है. 2 इनटू एल प्लस बी, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए. यहाँ पर विड्थ पता है, मतलब ब्रेथ पता है. तो हाइट यानी कि सॉरी लेंथ नहीं पता हमें. किसकी लेंथ? रेक्टेंगल की. तो वो लेंथ निकालने के लिए यू कैन कंपेयर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर विथ सरफेस विथ एरिया ऑफ द शीट. Area of sheet क्या होगा? Length into breadth. So we can write first of all perimeter of rectangle P 2 into L plus B. Yes. अब we know that hollow cylinder is converted into a rectangle, into a rectangular sheet. So ऐसे कुछ बना हुआ है जिसकी length और ये जो cylinder बना हुआ है, तो cylinder को ये convert किया तो area same रहेगा. यही बताना चाह रहा हूँ मैं जो अभी कहा था मैंने. तो एरिया कंपेयर कर सकता हूँ मैं दोनों का. एरिया ऑफ सिलेंडर यानी कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया विल बी शीट एरिया. शीट एरिया दोनों सेम, तो एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. हॉलो सिलेंडर 4224 इक्वल टू एल इंटू बी. एल नहीं पता, बी पता है 33. सो डिवाइडिंग बोथ दिस साइड बाई 33, 11 3 जा 11 जा 11, तो फाइनली कंक्लूड करेंगे तो कैंसिल करेंगे तो मिलेगा L इक्वल टू 128 cm सेंटीमीटर. और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमें सिर्फ लेंथ दे रहा है, हमें चाहिए पेरीमीटर. सो फाइंडिंग पेरीमीटर यूजिंग द फॉर्मूला 2 इनटू L प्लस B. L की जगह 128, B की जगह 33, एडिंग देम 161 इनटू 2 ऑब्वियसली 322. बहुत फास्ट लग रहा हो तो आराम से मल्टीप्लाई करना है. ये तो फटाफट आ रहे नंबर, है ना. कैलकुलेशंस खुद से करने हैं और स्किप भी नहीं करने. तो पेरीमीटर कम्स आउट टू बी 322 सेंटीमीटर. सो हेंस द पेरीमीटर इज 322 सेंटीमीटर. थैंक यू.